हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रूपा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिठाई। त्योहारों का सीज़न है तो मीठा तो बनता ही है, तो झटपट से बन जाता है ये। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये सूजी की मिठाई। सूजी की मिठाई के लिए मैंने गैस के ऊपर बर्तन रख दिया है, उसमें डाला है 1 कटोरी चीनी। अब 2 कटोरी पानी डाला है, चाशनी बना लेनी है हमें। पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर गैस चालू कर दिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम से लो फ्लेम पर रखें। चीनी को अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। चीनी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने इलायची ऐसे ही निकाल के डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है कलर, येलो कलर डाला है 2 चुटकी भर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर 1 तार 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस 1-5 मिनट तक अच्छे से पानी को उबाल लेना है, चीनी के पानी को। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है। 1/2 छोटी कटोरी मैंने सूजी डाली है। सूजी को हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे बहुत ही धीमा रखना है। सूजी को हमें यहाँ पर लाल नहीं करना है, सफ़ेद ही रहना है। सूजी को 2 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम सूजी पका लेंगे। यहाँ से 1 से 1.5 कप मुझे दूध लगा है, 1/2 छोटी कटोरी सूजी के लिए। तो अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सूजी बारीक वाली ली है। अगर आप मोटी सूजी यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सर में थोड़ा सा घुमाकर सूजी इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे पकने के लिए भी। और जब हम आटा लगाते हैं तो सूजी यहाँ पे अच्छे से पक गई है। देखिए, सूजी पैन को छोड़ रही है, अच्छे से पक गई है सूजी। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा पहले तो हम चम्मच के सहारे फैला देंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। यहाँ पे गरी का बुरादा लिया है मैंने 2 चम्मच। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाथों के सहारे से अच्छे से आटा जिस तरह से हम लगाते हैं उसी तरह से मसल लेंगे। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है डो। यहाँ पे अच्छे से मसलना है हमें। तो 1 लोई हम पेड़े की इतनी हाथ में ले लेंगे सूजी की, और साइड से इस तरह से हम अच्छे से चाकू के सहारे से इस तरह से कट कर लेंगे। चारों कॉर्नर इस तरह से कट करेंगे। अगर आपको इसे ऐसा ही प्लेन रखना है, प्लेन रख के भी आप तल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर, सूजी के ऊपर इस तरह से पेन से राउंड किया है पहले, तो फिर बाद में टूथपिक के सहारे इस तरह से लाइन बना दिए हैं। देखिए इस तरह से, और एक बार मैं बना के दिखाऊंगी। थोड़ा सा आटे की लोई लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, एक पेड़ा बना देंगे, फिर बाद में चौकोन शेप दे देंगे इस तरह से। ये चौकोन में भी बहुत ही अच्छे से बनता है शेप। आप इसी तरह से प्लेन भी तल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन दे दिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। देखिए, अब छोटा सा लोई बचा था उसे गोल बना लिया है। तेल पहले से ही मैंने थोड़ा सा गर्म करके रख दिया है। अब सूजी को हम इसमें डाल देंगे, सूजी के आटे को इसमें डाल देंगे हम। अब गैस के फ्लेम को मीडियम से लो ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो अंदर से सूजी का आटा कच्चा ही रह जाएगा। तो अलट पलट हमें करते रहना है। सूजी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है फ्रेंड्स ये मिठाई, आप भी ज़रूर ट्राई करें। जब भी मीठा खाने का मन करे तब बनाकर खाइए। फेस्टिवल का सीज़न है, आने वाले रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, जब चाहे आप बनाकर खा सकते हैं। तो अलट पलट हमें इसी तरह से करते रहना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर, सुनहरा कलर आने तक हमें तेल में अच्छे से पका लेना है सूजी को।
सूजी के आटे को हमें अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से तल लिया है। कलर सुनहरा हो गया है थोड़ा सा, तो अब हम निकाल लेंगे सूजी को हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे सूजी के आटे को तल लिया है, अच्छे से कलर आ गया है। देखिए अलट पलट करते रहना है हमें बीच बीच में। तो यहाँ पे अच्छे से सूजी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे निकालने के बाद। अब जो चाशनी रखी थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। आप सूजी के आटे को इसमें डाल देंगे। तैयार है फ्रेंड्स सूजी का मिठाई, 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इस फेस्टिवल ज़रूर आप ट्राई करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।